मजा किरकिरा करने वाली है। न्यूजीलैंड के बाद अब पाकिस्तान से भी मुकाबला रद्द हो जाएगा। फैंस की बढ़ चुकी हैं धड़कनें। आखिरकार अब क्या होगा? वर्ल्ड कप 2019 का सबसे बड़ा मुकाबला 16 जून को होगा, जब दो चिर प्रतिद्वंदी मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में एक दूसरे को टक्कर दे। क्रिकेट के मैदान पर टीम इंडिया पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी इस मुकाबले को करो या मरो का नाम दे चुका है। इस महामुकाबले को इंग्लैंड के मौसम का कितना साथ मिलेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मौसम पूर्वानुमान कहीं से भी उत्साहजनक नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक मैनचेस्टर में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश होगी। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ चुका है। एक वेबसाइट के अनुसार मैनचेस्टर में सुबह 9 बजे बारिश की पहली बौछार से मैदान गीला हो सकता है। इसके बाद दोबारा 11 बजे बारिश की संभावनाएं हैं। दोपहर 2 बजे फिर बारिश का अनुमान है। भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप में अब तक 6 मुकाबले हो चुके हैं और सभी में टीम इंडिया की जीत। पुलवामा हमले के बाद दोनों देशों के बीच बड़े राजनीतिक तनाव के कारण इस मैच के बहिष्कार की मांग की गई थी। आईसीसी ने आतंकवाद उत्पन्न करने वाले देशों से संबंध तोड़ने के बीसीसीआई के आग्रह को ठुकराते हुए कहा था कि इस तरह के मामलों में आईसीसी की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि टीम इंडिया इस मैच को तो जीतेगी, लेकिन क्या इस मैच में बारिश खलल नहीं डालेगी या फिर ये मैच भी बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।